नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 7 अप्रैल 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2021 ऑनलाइन फार्म को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2021 के ऑनलाइन आवेदन फार्म भरे जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम डेट नज़दीक है, यानी 11 अप्रैल मात्र 4 दिन बाकी हैं और टीजीटी पीजीटी की जो वेबसाइट है वो चल नहीं रही, सर्वर की समस्या आ रही है। परसों कुछ अभ्यर्थी मिले थे चयन बोर्ड में को जा कर के, तो वहाँ से आश्वासन मिला था कि 6 अप्रैल तक वेबसाइट सही कर ली जाएगी, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी भी वेबसाइट नहीं चल रही है। उसी को लेकर के यहाँ पर आज भी अपडेट आई हुई है कि सर्वर डाउन होने के कारण टीजीटी पीजीटी 2021 के आवेदन में हो रही कठिनाई को देखते हुए प्रतियोगी छात्रों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि पंजीकरण के लिए मात्र 5 दिन का समय बचा है, लेकिन रात दिन साइबर कैफों का चक्कर लगाने के बावजूद लाखों छात्रों के आवेदन बाकी हैं। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने वेबसाइट दुरुस्त करने और आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए चयन बोर्ड के अध्यक्ष व डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा से अनुरोध किया है। तो अब लगता है कि चयन बोर्ड की वेबसाइट की जो डेट आवेदन करने की अंतिम डेट है वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगी छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। रात रात भर प्रयास करने के बाद भी फॉर्म नहीं भर पा रहे, सर्वर की समस्या लगातार बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है JEE भर्ती 2020 को लेकर के। तो कर्मचारी चयन आयोग ने JEE भर्ती 2020 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा की आंसर की मंगलवार को जारी कर दी है। अभ्यर्थी 9 अप्रैल के शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दे सकते हैं। ये परीक्षा 22 से 24 मार्च तक पूरे देश में आयोजित करवाई गई थी। इसमें लिखा है कि लगभग 68,557 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के बारे में, वीडियो भर्ती के बारे में, 2018 भर्ती के बारे में, जो कि जिसकी परीक्षा अभी हाल में रद्द कर दी गई है। तो लिखा है भर्ती घोटाले में 11 धरे, 44 लाख बरामद। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 2018 में कराई गई ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए हुई भर्ती में धांधली करने वाले गैंग के 11 सदस्यों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से अभ्यर्थियों से लिए गए 44 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया कुछ समय पहले ही निरस्त कर जाँच SIT के सुपुर्द कर दी थी। तो कुल मिलाकर के बहुत व्यापक धांधली हुई है, इस वजह से परीक्षा भी रद्द कर दी गई है और इसमें 44 लाख जो रुपए हैं वो बरामद किए गए। किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो यहाँ पर देख सकते हैं, सभी के नाम भी दिए गए हैं कि किससे कितने रुपए मिले, किसके किसकी गिरफ्तारी हुई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है पंचायत चुनाव बाद 10,000 होमगार्डों की होगी भर्ती। पंचायत चुनाव समाप्त होते ही प्रदेश में 10,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाएगी। इसमें 8,000 पुरुष और 2,000 महिलाएं होंगी। शासन ने विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दिया। विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। होमगार्ड विभाग में करीब 10 साल में जवानों की भर्ती नहीं हुई है। विभाग में करीब 30,000 पद खाली हैं। विभाग में मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों ने जवानों की भर्ती का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। इससे पूर्व जो भी भर्तियां हुई थी वो मृतक आश्रितों के लिए हुई थी। तो कुल मिलाकर के अच्छी बात है कि 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखा है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा स्थगित। आप लोग जानते हैं 18 अप्रैल को इसकी परीक्षा होनी थी, पंचायत चुनाव के कारण ये परीक्षा नहीं हो पाई, परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब ये जो परीक्षा है मई में करवाए जाने की संभावना है। अब मई में कब तक होगी तो 10 से 15 के बीच सुनने में आ रहा है कि अधिकतम 15 मई तक ये परीक्षा हो जाएगी। आप लोगों को लगातार पूछते रहते हैं कब परीक्षा होगी, तो संभावना यही है कि 2 मई से बोर्ड पंचायत चुनाव खत्म हो रहे हैं, 8 मई से UP बोर्ड की परीक्षाएँ शुरू होने की सूचनाएँ मिल रही हैं। तो UP बोर्ड को परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और पंचायत चुनाव के बाद कोई एक ऐसा तिथि निर्धारित की जाएगी शासन स्तर पर, PNP स्तर पर। उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि परीक्षा कब होगी। अभी फिलहाल ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, परीक्षा जल्दी ही करवाई जाएगी। ठीक है,
अगली अपडेट है यहाँ पर देखिए, ACF RFO को लेकर के लिखा है, RFO के 12 पदों पर भर्ती के लिए 13 अप्रैल को होगा साक्षात्कार। सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी भर्ती 2020 की मुख्य परीक्षा में 26 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू में शामिल करने के लिए इंटरव्यू में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया है। साक्षात्कार 13 अप्रैल को होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम आयोग की वेबसाइट और कार्यालय के सूचना बोर्ड पर उपलब्ध है। तो ACF RFO का जो रिजल्ट है वो आप लोग आयोग की साइट से चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, लिखा है योग्य अभ्यर्थियों की भरमार, खाली पद भरे सरकार। UPTT के बाद प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती आने के आसार हैं। इसी बीच 69 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मुहिम छेड़ दी है जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके। उनकी मांग 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त करीब 26,000 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने की है। ये भर्ती इंटरनेट मीडिया के साथ ही जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर के प्रीमांग शासन तक पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं। सरकार तीसरी काउंसलिंग कराने की तैयारी कर रही है, इसी आधार पर खाली पद भरने की मांग तेज हो गई है। यहाँ पर बात यह है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में करीब 26,000 पद रिक्त रह गए थे, तो उन पदों को भी 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने की बात यहाँ पर कही गई और बोला कि अभ्यर्थी बहुत हैं, उन पदों को इसमें जोड़ करके जो वो पद भरे जाएं। आप लोग जानते हो 69 शिक्षक भर्ती में करीब 146,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, भर्ती सिर्फ 69,000 की हुई है। अब 69,000 भी नहीं हो पाई, उसमें तीसरी काउंसलिंग होना बाकी है। तो अभ्यर्थियों का कहना कि जो 68,000 के पद थे उनको जोड़ दिया जाए और उसको भर दिया जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है CBSE बोर्ड को लेकर के, लिखा प्रैक्टिकल व मूल्यांकन के लिए 10 तक दे जानकारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होनी है। इन परीक्षाओं के मूल्यांकन प्रक्रिया की शुरुआत 7 मई से होगी। ऐसे में CBSE स्कूल ने टीचर्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने को कहा है। स्कूलों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब बोर्ड ने स्कूलों को शिक्षकों को सही जानकारी व अपडेट डाटा 10 अप्रैल तक देने के कहा है। साथ ही CBSE बोर्ड की जो प्री परीक्षा की डेट थी वो भी बदल दी गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है वो TGT PGT को लेकर के, TGT गृह विज्ञान के लिए अब बीएड अनिवार्य कर दिया है। अभी तक जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन में बीएड अनिवार्य नहीं था, लेकिन जब छात्र फॉर्म भरने जा रहे थे तो फॉर्म भरते समय बीएड कंपलसरी बताया जा रहा था। तो चयन बोर्ड ने इसकी नोटिस जारी करके जो है वो स्पष्ट कर दिया है कि TGT होम साइंस में बीएड अनिवार्य है। तो जो डाउट चल रहा था अभी तक वो कन्फर्म कर लिया गया, मतलब उसको संशोधन कर दिया गया है। वहीं पर दोस्तों TGT PGT की आवेदन तिथि जो है 10 दिन आगे बढ़ाने की मांग की गई है। कारण के वेबसाइट काफ़ी दिनों से सही नहीं चल रही है और 10 दिन वेबसाइट में आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है TGT PGT की। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।